गाइस, आप सबका फिर से और एक धमाकेदार वीडियो में धमाकेदार एंट्री के साथ स्वागत करता हूँ। और गाइस, अभी मैं जाने वाला हूँ अभी, और मेरे साथ भांजा भी है, तो हम दोनों अभी जाने वाले हैं। ये गुवाहाटी के नज़दीक में ही है, सोनापुर है, और सोनापुर के नज़दीक में ही एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक प्लेस और झरना मंदिर सब कुछ है वहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत एक जगह है नाजिराघाट। वो नाजिराघाट में अभी जाने वाले हैं हम दोनों। और अभी फिलहाल मैं हूँ ये सोनापुर और गुवाहाटी हाईवे पर, और आप लोग देख सकते हो नीचे ये सोनापुर मार्केट है, इधर ये सोनापुर हम लोग अभी जाने वाले हैं। और नाजिराघाट में जाके आप लोगों को पूरा दिखाने वाले हैं वहाँ का खूबसूरत नज़ारा, पिकनिक प्लेस। और वैसे भी अभी दिसंबर महीना आने वाला है, और दिसंबर महीने से तो पूरा पिकनिक का सीजन शुरू होने वाला है, और सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पर मतलब जाएंगे, और आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, तो वही जाके दिखाता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। गाइस, देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है, और अच्छे को देख लिया गाड़ी चलाने राइडिंग करने के लिए, और मैं पीछे बैठ के पीछे जा रहा हूँ। गाइस, फाइनली आ गए नाजिराघाट, और नाजिराघाट आप लोग देख सकते हैं, और ये है मेन गेट है। और आप लोग अगर नाजिराघाट आना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आप लोग अगर सिटी में रहकर मतलब थक गए हैं भीड़ भाड़ से, तो यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आप लोगों को सुकून शांति सब कुछ यहाँ पर है, और ये यहाँ पर मंदिर पिकनिक प्लेस सब कुछ है। तो अंदर का नज़र आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और टिकट प्राइस 5 रुपीज़ है, एक कप चाय से भी बहुत कम है टिकट प्राइस। गाइस, देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बिल्कुल नेचुरल प्लेस है, और ये गुवाहाटी के बिल्कुल नज़दीक में है। गुवाहाटी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर ऐसा कुछ डिस्टेंस में है ये एरिया नाजिराघाट। ये पिकनिक प्लेस, मंदिर, यहाँ पर सब कुछ है, तो देख सकते हैं। और अंदर और क्या क्या है आप लोगों को जाके दिखाऊंगा। और इस साइड पर है मंदिर भी है, और वाटरफॉल है, एक छोटा मोटा वाटरफॉल जैसा ही है, झरना है। तो चलिए दिखाते हैं। और सामने है ये गणेश मंदिर, चलिए आप लोग को दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। और अभी बिल्कुल मतलब यहाँ पर खाली है, बिल्कुल खाली बोलने से भी गलत नहीं होगा, ज़्यादा नहीं, 2-4 10 ऐसे कुछ मतलब लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन क्या है कि दिसंबर महीने से मतलब पूरा भीड़ रहता है ये एरिया, यहाँ पर जगह बिल्कुल नहीं रहता है, सब लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं यहाँ पर। चलिए अभी गणेश मंदिर अंदर से कैसे दिखता है चलिए दिखा देते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए सामने पत्थर पर गणपति बप्पा का मूर्ति है, इस तरफ है छोटा मोटा एक वाटरफॉल, और इस तरफ है शिव मंदिर, चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। और ये देखिए अभी बैठे बैठे फोटो खींच रहा है, और मोबाइल पर क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। और सामने देख सकते हैं ये वाटरफॉल है, और इसके ऊपर और भी जगह है, लेकिन अभी और शिव मंदिर के बारे में बोला था, लेकिन दरअसल ये यहाँ पर भी गणेश जी का मूर्ति है, और ये भी गणेश मूर्ति है, लेकिन शिव जी का भी पूजा किया जाता है। तो अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए सभी देव देवी, यहाँ पर देव देवी का मूर्ति है, यहाँ पर पूजा किया जाता है। ये देखिए मंदिर का अंदर का नज़ारा है, यहाँ पर भी गणेश जी का मूर्ति है, और साथ में ये नंदी जी भी है, और इसलिए यहाँ पर शिव पूजा भी किया जाता है।
गाइस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।